एक प्रेस फोरम को छोड़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा इस गांव में क्योंकि कई लोग गए इस क्षेत्र से और सबसे पहले क्षेत्र से जो ट्रैक्टर गए होंगे उन किसानों का फोन आया। उन्होंने कहा कि कई ट्रैक्टर यहां से है और हम आना चाहते हैं, यहां से पुलिस रास्ते में नहीं आने देती। मतलब ये पहली बार लगा कि इस क्षेत्र से ट्रैक्टर भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। ये पूरे देश का मसला है, इसको पहले बांटा गया पंजाब हरियाणा में, फिर इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ सीमाओं में, फिर से कहा कि ये तो सरकार का आंदोलन है, फिर कहा कि एक बिरादरी का आंदोलन है। 8-10 टुकड़ों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा कि यह आंदोलन किस मुद्दे पे है, सरकार से बातचीत हुई 12 दौर की वार्ता। हमने कहा कि जब 3 काले कानून हैं इनको वापसी ले लो। किसान से आपने नहीं पूछा, गोदाम बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं देश में, इसलिए व्यापारियों के कहने से उनके हितों का साधने के लिए कानून बने हैं। हमने कहा कि एमएसपी में कानून नहीं है। आज भी राजस्थान के बहुत लोग, जब हम भरतपुर से आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने परिवार के साथ नापी के क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जाते हुए हमने उनको रोका। उन्होंने कहा कि बाजरा है हमारे पास में, गेहूं है, हम इसको मंडी में बेचने जा रहे हैं। उनसे पूछा कि बाजरे का एमएसपी का रेट क्या है जो भारत सरकार ने तय करा। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता क्या रेट है। मतलब आज भी देश में यह हालात है कि किसान को सरकारी रेट का नहीं पता, मंडियों में उसकी बोली लगती है। जो किसान अपने घर से अनाज लेकर चला गया, व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, उसको उसकी कीमत का नहीं पता कि क्या मिलेगा। बाजरे का 2100 रुपए का भाव है। हमने कहा कि आपको कहना का जो सरकारी रेट है उससे कम पे मैं खरीद नहीं करूंगा, आप वहीं पे बैठ जाना। वो 1100 से 1200 रुपए में बाजरे को बेच पाएगा किसान, 1400 और 1500 रुपए में गेहूं को बेच पाएगा। जब उसकी फसल 1 महीने बाद में उसकी फसल आ जाएगी, उसके घर में आवाज आकर उसको बेचने गया है। लड़ाई यही है, लड़ाई किसी जाति की नहीं है, लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव ना हो, वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है, बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उसके कम पे खरीदना हो। धान 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो, ये है कानून। इसके लिए लड़ाई वहां पर चल रही है, 100 दिन के आसपास लोग आ रहे हैं। सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की जब फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके एक ही जवान से किसान ने अपनी फसल उगाने शुरू कर दी। उसने कहा कि आंदोलन करेंगे हम, अगर फसल हमारे बीच में आएगी उस फसल को उजाड़ देंगे। आपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह में बहुत किसान लोग उजाड़ी फसल। हमने कहा कि फसल को बर्बाद ना करो, ये आंदोलन भी चलेगा, ये फसल भी किसान का चलेगा। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं 40, उनके पीछे पंचायतें हैं, उनके पीछे सरपंचों का हाथ है,
उसके पीछे पूरे हिंदुस्तान के किसान नाराज जताई है कि दिल्ली में चलने वाला धरना मेरे फसलों के रेट तय करेगा। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है, सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी, ये लड़ाई वही है जो राजाओं के खिलाफ होती थी। वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी अनाज के रेत की लड़ाई है। मैं नौजवान साथियों को कहूंगा, जिसने इस पूरे देश के आंदोलन की कमान नौजवानों ने संभाली है, अच्छी बात ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नौजवान कृषि के क्षेत्र में आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली हो, तो वो आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता। वो आंदोलन फेल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जिस तरह से शाहजहांपुर और पूरे दिल्ली के क्षेत्र में यहां का नौजवान निकला है, उसने जाति धर्म सब चीज को भुला के, वोट को भुला के, कि कौन किस क्षेत्र का है, मेरी वहां पर आपस में क्या लड़ाई क्या तकरार है, सब कुछ चीज को भुला के उसने दिल्ली के आंदोलन में शरीक हुआ। जिस तरह से यहां पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, सरकार कहती है कि धन कहां से आ रहा है। इस आंदोलन को गांव का किसान चलाता है, इस आंदोलन को हल चलाने वाला किसान चलाएगा, इस आंदोलन को क्रांति से काम करने वाली हमारी महिलाएं चलाएगी, इस आंदोलन को हाजी और पाजी चलाएगा। यह आंदोलन क्रांति का आंदोलन है, यह आंदोलन फेल नहीं होगा। एग्रीकल्चर जो कृषि में काम आने औजार वाले जो है, इस आंदोलन को वही लोग चलाएंगे जो अपने खेतों में हाथ से काम करते हैं। कोई नहीं गया घर वहां से, यहां पर बैठे राजाराम जी मीर जी है, यहां पर युवीर सिंह योगिंदर जी, अमनाराम जी, जो आपके शाहजहांपुर बॉर्डर पर प्रमुख से देखते हैं, आप 200-200 किलोमीटर से यहां से जाते हो आप, और दिल्ली को होश नहीं अभी, कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। आप ज्यादा तानाशाही दिखाओगे, ये किसान आपकी बार में ज्यादा तादाद में दिल्ली में जाएगा, ज्यादा तादाद में किसान जाएगा। यहां की फसल बचाई की हमारी एक महीने में, ये कह रहे कि किसान ट्रैक्टर से नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में, खेत में चलने वाला हर औजार वो साथ लेकर आएगा। जब जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उसको साथ लेकर चला है। वो जानते हैं कौन सा क्षेत्र है, ये बेहद क्रांतिकारियों का क्षेत्र राजस्थान। बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहां पर लड़ी गई, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। जो मेरा नौजवान साथी है वो पीछे नहीं हटेगा। अपने खेत की मिट्टी को जब दिवाली होली अब आएगी, दुल्हनी आएगी, रंग नहीं लगाना अपनी बार, अपने गांव की खेत की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेना, उससे अपने शरीर को टच करवा लेना अपने खेत की मिट्टी से। जब आप दिल्ली लगने जाओगे उसकी बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेके जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। अपने खेत की मिट्टी अपने पूजा स्थान में रखो। अगर ये आंदोलन में किसान फेल हुआ तो 20 साल में आपकी जमीन में नहीं बचेगी, इतना कर्जा किसानों लोग को आ जाएगा। सब लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों का मुकाबला होगा जेली और सांगों से, जो खेत में भूख हटाने के काम आते हैं। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, इनका मुकाबला होगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। पूरा दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई चलेगी, किसान जीतेगा। किसान हार कर दिल्ली से नहीं आएगा वापसी। सरकार कान खोल कर सुन ले दिल्ली की सरकार,
न किसान बेकायम आएगा न किसान वापसी आएगा। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तीन भी वापसी नहीं होंगे, फोन भी बहुत से भी लेकर आ रहे हैं। जब तक किसान वापसी नहीं होगा, जो मेरे बुजुर्ग आए हैं उनका जिस तरह से साथ मिला है आंदोलन में, उन्हें जिस तरह से नौजवान साथियों का आके आप चलो आंदोलनों में, हमारे अध्यक्ष यहां पर बैठते हैं 90 साल के से ज्यादा उम्र इनकी है, कह रहे कि आंदोलन लड़ाई लड़ो, आंदोलन करो, दिल्ली चलो। तो यही सारे नौजवानों का, सारे युवाओं का, सारी महिलाओं का यही कहना है कि दिल्ली से वापसी नहीं आना। ये लड़ाई किसी जाति बिरादरी की नहीं है, ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की है। इस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जाति धर्म गोट खास ये सब छोड़ गए, ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। गरीब का अनाज तिजोरी में बंद ना हो, देश में भूख पर व्यापार ना हो, बड़े बड़े गोदाम बन गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होगी, कीमतें अनाज की बढ़ेगी। ये लड़ाई है रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई है व्यापारी के चुंगल में अनाज न जाए, ये लड़ाई है किसान को फसलों के दाम मिले। ये लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे और हम पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश भर में 24 मार्च तक के प्रोग्राम हमारे लगे हुए हैं अभी, उसके बाद आगे के प्रोग्राम लगेंगे। कह रहे थे वेस्ट बंगाल में चैलेंजर जाएंगे, आसाम भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पूरे देश में किसान जाएगा, 40 लोगों की गठबंधन है वो जाएगी, और जब तक भारत सरकार कानूनों को वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे जो ये मैदान है, जो कुश्ती मैदान है, भैरव बाबा का मैदान यहां पे है, उनको नमन करते हैं। इस पूरे क्षेत्र को, जो पहाड़ी क्षेत्र में यहां पर प्रोग्राम लाए गए, 81 गांव में जो प्रोग्राम किया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।